है वो पहले हम उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे। जब हमें अन्न चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, अन्नपूर्णा के पास जाते हैं। जब ज्ञान चाहिए रहता है तो हम जाते हैं सरस्वती के पास। जब क्या चाहिए रहता है, पैसा, तो कौन किसके पास जाते हैं, हम लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। और जब ताकत चाहिए रहती है तो किसके पास जाते हैं, दुर्गा माँ के पास जाते हैं, वो शक्ति पाने के लिए जाते हैं। लेकिन तीन जग का जो अधिपति है, अगर वो पृथ्वी पे आना चाहता है, जन्म लेना चाहता है, तो एक माँ का उदर चाहता है, क्योंकि ऐसे ही पृथ्वी पे आने को नहीं मिलता। इसलिए उस माँ का उदर, जो यूट्रस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोख, कोख, वो कोख चाहिए रहती है इस धरती पे आने के लिए, इस पृथ्वी पे आने के लिए, कर्म करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और वो कोख ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो नन्ही हमारी कली रहती है, बच्ची रहती है, उसकी परवरिश, उसका सब जीवन और आने वाला जीवन उस पे ही निर्भर होता है। तो वो जो जीवन है, एक सर्कल है, और एक वुमन लाइफ सर्कल क्या होता है, तो एक चाइल्ड से स्टडी, मैरिज, ये सब चीजों से ये औरत गुजरती है, लेकिन फिर भी खुद के साथ, अपनी फैमिली, अपनी आने वाली नवजात शिशु, उसकी परवरिश, हर चीज से उसको गुजरना पड़ता है, मजबूती से वो गुजरती है। ये आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक का सफर, फिर से यहां से यहां तक का सफर आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग होने के बावजूद ये जरूरी है। एक हेल्थ जो महिला की चाहिए, वो किस चीज के लिए चाहिए, आप ही देखोगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है। किस चीज से आज महिला गुजर रही है, उसका शिक्षण है, उसकी करियर है, बावजूद उसका वुमेनिज्म है, जिसपे पूरा परिवार, पूरा समाज अवलंबित है, और अगर उसको बराबर से इस चीजें से नहीं गुजरने को मिला, तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमको डिफिकल्ट लगेगी। तो पहला सूत्र होगा हमारा खाना। कितनी बच्चे अच्छे से खाती है, घर में हरी सब्जी नहीं खाई जाती, सलाद नहीं खाया जाता, हम जो खाते हैं गलत वही बच्चे भी खा लेते। तो पहली पायदान पे हम क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते। महिलाओं को एक्सरसाइज यानी, तो अभी तक हमारा ढक्कन खुला ही नहीं है कि काम के बावजूद भी उसकी थोड़ी कसरत करनी जरूरी है, उसको खुली हवा में जाना जरूरी है, उसको कुछ एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर वो बाहर निकले, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जाए, तो शायद उसके लिए पूरा जो उसका एक डेवलपमेंट है, वुमन डेवलपमेंट, एक माइंड डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो पाएगा। और एक सोशल पावरफुल बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, थैंक्स टू डीएक्सएन रिपीटेडली, कितने लोग सेंट्रल से आए हैं, सेंट्रल से, वेस्टर्न से, हार्बर से, सब लाइनें यहां मौजूद है। इसका मतलब डीएक्सएन ने हमको क्या दी है, पावरफुल सोशल बॉन्डिंग दी है। और अगर इसी बॉन्डिंग से हम अच्छे से इस प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं, क्या चाहिए महिला को, एजुकेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, उसको बराबर से ट्रेनिंग चाहिए, और फिर जो हाथ उसके ऊपर उठते, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, कभी कभार आदमी का भी तकलीफ रहता है, लेकिन उंगली किस पे उठती है, असं म्हटलं जातं, पिता हा फक्त तीर्थ स्वरूप असतो, इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ, नेचर ने वो चीज की है, 1% पिता पर है, बट 99% द फिंगर्स ऑन हर, उसके ऊपर उंगली उठती है। और वही अगर बराबर से आज चैलेंज से अच्छे से बाहर निकले तो अच्छा लगेगा, बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल इज अ डिफिकल्टी, जो पहले घर में रहती थी, लेकिन आज बाहर निकल के उसको घर का भी परफॉर्मेंस है, बाहर का भी परफॉर्मेंस है, वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, काउंसलिंग और अच्छे से एजुकेशन होना जरूरी है। एक वुमेनिज्म और फेमिनिज्म हम कहेंगे, स्त्रीत्व आना और स्त्रीत्व लैंडिंग करना, मेनार्की टू मेनोपॉज, मतलब एक ऐसा जीवन जो चैलेंज है, लेकिन फिर भी एक महिला को जीना पड़ता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई जुड़ा रहेगा,
एक प्रॉपर काउंसलिंग रहेगी, एक प्रॉपर उसको सपोर्ट रहेगा, तो वो फेमिनिज्म, वो वुमनिज्म आराम से निकल जाएगा. आपको लगता है आसान रहेगा? एक महिला अगर घर में बीमार रहती है ना, तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है. हमारी जीडीपी भी कहती है एवरी सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसको कहता है महिला बाल आरोग्य, बाल कल्याण. मतलब ईच लेडी और ईच चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो थैंक यू सो मच. ये छोटी सी चीज समझना बहुत जरूरी है. महिला का जीवन ये केवल उसका जीवन नहीं है, तो उसके पूरे परिवार का, समाज का जीवन है, और समाज में एक ही नाता है, आईआई मूल, मां और बच्चा. उसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं है. आप देख सकते हो एक मां और एक बच्चा, यही जीवन है. ये पहले से चलता आया है, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, और इसके लिए मजबूती की बहुत जरूरी है. और डीएक्सएल ने ये मजबूती हमको 30 साल पहले दी है, लेकिन हमारा वो विजन नहीं था. आज धीरे धीरे वो विजन आने लगा है, और इसी श्रृंखला में आज का जो सेशन है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, आज जो भी आप सुन रहे हो, ये फिर से सेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन ये सेशन होना बहुत जरूरी है, और हर एक महिला, हर एक पिता माता और घर तक ये पहुंचना बहुत जरूरी.